हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सभी। अभी मैं हूँ धौला कुआं में और शाम का ट्रैफिक निकल चुका है, तो आज मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है। तो अपने कर लिए बाइक के साथ, आप चलें। ट्रैफिक तो दिख ही रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं। थोड़ा सा स्टैंड सही कर लो, ऊपर चला गया था मेरा कैमरा। यह है मेट्रो स्टेशन भाई धौला कुआं का, और मैं कोशिश करूंगा कि नॉन स्टॉप जाएँ बिना कट लिए। अरे 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 अरे, गड़बड़ हो गई, मुझे यहाँ से मुड़ना था। चलो फिर आगे से कट लेंगे। और काफ़ी शोर आएगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, मैंने माइक लगा हुआ है और हो सकता है कि माइक में ज़्यादा आवाज़ जा रही हो और मेरी आवाज़ कम आ रही हो, तो मैं राइट साइड में लूँगा बाइक को। सारे भाग रहे भाई, तो अपन बहुत पीछे रहने वाले हैं। वैसे रात के टाइम भी, इस टाइम भी काफ़ी राइडर दिख गए हैं मेरे को बाइक लेकर घूमते हुए। हो सकता है वो दिल्ली से बाहर के हों, राइड पे निकले हों, कहीं जा रहे हो। कई लोग जयपुर निकलते हैं, जयपुर वाला रूट है ये। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है वैसे तो, स्मूथली चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 50-60 की बीच की स्पीड है अभी तो। और मैं निकलूँगा राइट, टर्न लूँगा मैं, यू टर्न है ये। पिछला वाला तो छूट गया था, मैंने कहा ये वाला पकड़ लेता हूँ। वैसे हम सारे लोग ना यहीं से निकलते हैं राइट के लिए, ग्रुप में तो मैं जा नहीं रहा, अकेले ही जाता हूँ आजकल, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, गया भी नहीं। बीच में गया था मैं 1 महीने पहले, अभी आ गया भाई अंडरपास। देखो कितना अंधेरा होगा अंदर, यहाँ से यूटर्न है ये, वापस जाने के लिए ये। यूटर्न बोले तो क्या है, आगे जाके फिर कट लेना पड़ेगा मुझे। बस भाइयों, शोर जो आ रहा है ना वो एडजस्ट कर लेना है। देखो यूटर्न कहाँ से है ये आगे से, और मुझे ये भी पता चल जाएगा इतने ट्रैफिक में अगर मैं धौला कुआं से घर जाता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है, ये कितने मिनट लगते हैं। तो ये मैं इसमें कोई कट नहीं लूँगा जहाँ तक मैं, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे लगा दिया है कि मुझे कोई कॉल नहीं आएगा। चले भाई, वासी देखो तुम कम, चलो ठंडी ठंडी हवा लग रही है सारी, बताऊँ तो अभी मैं। और 5 मिनट के अंदर अंदर अंधेरा होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। टैंक रखा हुआ भाई, ये देखो भाई साहब क्या रास्ता है। लो जी, कोई सोचेगा मैं धौला कुआं गुड़गांव से आ रहा हूँ, धौला कुआं भी आ गए, अभी वहीं से आया हूँ और फिर धौला कुआं जा रहा हूँ। देखा मेरा कमाल, बड़ी हवा लग रही है आंखों में यार, ठंडी ठंडी। थोड़ा सा सीजन नीचे करा है मैंने, भगा के देखूँ, भगा तो सकता ही नहीं, जितना भगाऊंगा हवा उतनी तेज चलेगी और शोर ज़्यादा आएगा। पता नहीं, मेरी आवाज़ बहुत कम आएगी, लेकिन मैं जितना बोल सकता हूँ उतना बोल रहा हूँ तेज़ आवाज़ में। फ्लाईओवर चढ़ना पड़ेगा लग रहा है, चलो फ्लाईओवर भी चढ़ लेंगे। वो सामने बोर्ड लगा हुआ दिखा रहा है, धौला कुआं गुरुग्राम 26 किलोमीटर, जनकपुरी 9, गिंडिया गेट 10 किलोमीटर। ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, भाई फोन अटका रखा है मैंने टाइट करके, बस गिरे ना, थोड़ा फोन भारी है ना, हेलमेट आ गई सर, लटक रहा है मेरा। कोई कट नहीं भाई, कोई कट नहीं है, गलती से अचानक अगर कट लेना पड़ गया वीडियो में तो अलग बात है, पर ये नॉन स्टॉप है रजौरी गार्डन तक, पक्का रजौरी गार्डन के मार्केट या फ्लाई ओवर तक पहुँचने तक ये नॉन स्टॉप रहेगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर ये कि देखने में मज़ा तो आना चाहिए ना,
बोर मत हो ना भाई, पूरा देख लेना मेरा वीडियो। अभी आपको ट्रैफिक भी दिखेगा, अभी तो, अभी तो रोशनी हो जाना है और थोड़ा अंधेरा भी दिखेगा। अंधेरे का वीडियो आज मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, रात को मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं है, खासकर बाइक पे। वैसे तो बनाई है पर बाइक पे नहीं बनाई मैंने कभी भी। अभी बस कहाँ आ रही है इधर को भाई? अरे कहाँ जा रहा है भाई? इधर इधर मोड़ते जा रहा था, बोल दिया मैंने कहाँ। ये है मुड़िया नारायणा वाला कट, सीधा जाएगा जो इंडिया गेट का। लोग कहाँ कहाँ उतर रहे हैं यार, जो इधर से रास्ता देख रहा है उधर को घुस जाते हैं। ये देखो मुझे जाना नीचे की तरफ, नीचे। अभी मेरा ध्यान भट गया था, मैं भूल गया कि मैंने फ़ोन लगाया, रिकॉर्डिंग चल रही है, ध्यान ही हट गया था ट्रैफिक को देख के। चलो भगाते हैं आप, तो एक बार थोड़ा सा मुझे लग रहा फ़ोन टाइट करना पड़ेगा, करूँ या ना करूँ समझ नहीं आ रहा अभी। और बीच में ना चल के किनारे चलता हूँ यार, वो ज़्यादा सही रहेगा मुझे ऐसा लगता है। जगह मिली तो भगा भी लूँगा भाई, ये स्प्लेंडर वाले भगा रहे हैं इससे अच्छा मुझसे ज़्यादा, तो मैं नहीं भगा पा रहा। चलो निकालो फिर, मेरा हेलमेट नीचे आ रहा है यार, आज ढीला लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। अच्छा मैंने मास्क नहीं लगाया यार इसलिए। अभी पता नहीं कितने मिनट हो गए, मैं टाइम भी नहीं दे सकता अभी तो। मैं आगे DTC बसें जा रही है, बंदे बैग निकालते हैं खचाखच, इधर उधर से घुमा घुमा के। लगभग मुझे भी लग रहा है अभी शायद सर्दी का मौसम है ना, तो 6 बजने वाले हैं तो मौसम हो गया अभी तो। इस टाइम गर्मियों में कड़क धूप होती है, वैसे पसीना आ जाए बॉडी के अंदर, ऐसा होता है माहौल। इधर रुकूंगा अड्डे पे, अपने एक अड्डा है फ्लाईओवर उतरते ही रजौरी गार्डन पे, वेस्ट गेट मॉल है वो बंद हो चुका है, वहीं जाकर रुकूंगा सीधा। मैं सोच रहा हूँ निकाल लूँगा यार। अरे यार स्कूटी वाला भी निकल गया, बताओ यार झंडा ऐसी जिंदगी है, स्कूटी वाले आगे निकल रहे हैं, बताओ यार। ये ले भाई दिमाग खराब कर दिया मेरा यार, अब हम निकलेंगे आगे। ये ला करती मैंने हाई बीम पर अपनी बाइक चलाई। ये भाई साहब कोई नफड़ा नहीं चाहिए भैया अपने को, सबने हाई बीम कर रखी है। कैसी आवाज़ आ रही है भाई बता देना, मैंने माइक लगाया हुआ है 0.2 पर, 3 पे करा नहीं है, थोड़ी आवाज़ घूम रही थी तो 2 पे लगा दिया। और मैंने कहा कि दोनों तरफ से शोर आएगा, तो मैंने सोचा फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसको, ओवरवाइज करना पड़ेगा फिर, अगर ज़्यादा शोर आ रहा होगा तो। क्योंकि अगर मुझे ही नहीं सुनाई देगा तो फिर भाई साहब, या आपको सुनाई नहीं देगा तो फिर मज़ा क्या आएगा, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, ये सारी बातें ना ऐसे फिर हवा में हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, गाली और दोगे दो चार मेरे को। तो भाई साहब मैं दिल्ली गेट तो पहुँच गया, देखो मुझे लग रहा 3-4 मिनट हुए होंगे दौलत बहुत। और ये जब पार करूँगा तो मुझे ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि मैं नारायणा फ्लाईओवर के ऊपर से जाऊँ या फिर नीचे से, बस ये चीज़ मुझे देखनी है। दिल्ली गेट राजा गार्डन आगे दिखा रहा है अभी, और ये आगे दिल्ली गेट का मेट्रो स्टेशन आगे, तो बाइक रखते हैं बीच में, वो ज़्यादा अच्छा है। कहाँ कहाँ से निकलेगी देखो, यहाँ जगह दिखेगी भाई, डालनी तो पड़ेगी ना। दिखा इसमें ऑटो आगे मेरे आगे, कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चल भाई ये आ गया, देखो भाई ये आ गया दिल्ली के मेट्रो स्टेशन।
तो कहाँ हॉर्न मार रहा है मेरे पीछे पीछे? ठीक हो? यही 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 जो हॉर्न मार रहा है। चलो भाई, गोली 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 गोली। कचौड़ी वाले भाई मोट कचौड़ी बहुत अच्छे बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो रोड पे लगती है ना रेडियाँ, मोट कचौड़ी 30 रुपये, 30 रुपये का थोड़ा छोटा थोड़ा सा देते हैं, 50 रुपये प्लेट देते हैं। ये बस के पीछे कहाँ खड़े हो गए भाई सारे के सारे? अच्छे यार, मुझे रुकना था पर मैं रुकूंगा, अगर रुक गया वीडियो बनाऊंगा तो फिर और लंबी हो जाएगी आधे घंटे की। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से 12 या 15 मिनट की वीडियो बने टोटल। यूट्यूब बोलता है कि उतनी उससे ज़्यादा वीडियो नहीं डालनी। देखो भाई, राजमा चावल खस्ता कचौड़ी ये सब खाने वाले रुके, ट्रक टेम्पू वाले गाड़ियों वाले अच्छी बनाती है, मैंने भी खा रखे हैं। देखो लाइन से लगे हुए कचौड़ी वाले, देख रहे हो यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लग रहा है मेरे को यार। ट्रैफिक तो है भाई, जूस वाला भी है, इसका भी टाइम हो गया घर जाने का। मेरा जो अड्डा है ना ये वाला है, मैं अक्सर जब कभी आता था यहीं रुकता हूँ, ये सामने है ना बाइक खड़ी है इधर ही रुकता हूँ, तो सुट्टा उट्टा लग जाता है फिर मैं निकलता हूँ घर की तरफ, ऐसा ही है। अभी मेरा एक प्लान भी चल रहा है भाई, बताऊंगा, एक सरप्राइज प्लान है, अगर हो गया तो आपको सरप्राइज होगा एक बहुत बढ़िया, याद करोगे भाई ने क्या सरप्राइज दिया, जल्दी पता चल जाएगा आपको। बस वीडियो देखते रहना मेरी कि कब वो सरप्राइज आ जाए, क्योंकि तो मेरे लिए कुछ सरप्राइज है वो सरप्राइज को पूरा करने के लिए, तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं काफ़ी टाइम से। तो भाई भाई ये है फिर नारायणा का फ्लाई ओवर, जो मैं ऊपर चढ़ गया हूँ नीचे से बिल्कुल भी गया, मैं आज ऊपर ऊपर निकलूँगा, मुझे लगा शायद ट्रैफिक कम होगा। देखो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे होंगे अभी भूख अंधेरा हो जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। आज यार हेलमेट मेरा बार बार नीचे हो रहा है, बड़ी बड़ा दिमाग खराब हो रहा है यार, फोन का वेट इतना है ना नीचे को आ जा रहा है और आंखों के आगे आ रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि दिखना तो चाहिए ना, दिखेगा नहीं तो वीडियो बनेगी कैसे। ये बंदे निकाल रहे ना, अभी निकाल तो मैं भी सकता हूँ, पर डर लगता है बार बार फोन नहीं गिरे बस, छुप छुप बोलो यार दूसरे ना निकल जाए कहीं, बस अच्छी बात। और ये देखो भाई कितना लंबा फ्लाईओवर है भाई, ये कितने गड्ढे हैं ना यहाँ पे, पर इस फोन के अंदर पता नहीं चल रहा होगा गड्ढे इतने, हल्का हल्का शायद पता चल जाए पर पता नहीं चलेगा इस फोन के अंदर। स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है इसका, वीडियो हिलती नहीं है इसके अंदर, जैसे मर्जी चला लो। तो अब ये नारायणा का फ्लाईओवर जो है ख़त्म होने वाला है, इसके बाद जो फ्लाईओवर आएगा मायापुरी का आएगा, फिर मायापुरी बारे में चलेंगे हम। भाई कार इधर ना आ जाए, निकल गए भाई जल्दी जल्दी, बीपर मारनी पड़ रही है, इधर को ना लाए हॉर्न भी दे दिया भाई। भाई ट्रैफिक तो है आगे, ठीक तो है लंबा ट्रैफिक, पर जाना तो पड़ेगा ही ऊपर से भाई, देख रहे भाई साहब। अब देख लो ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, बस आपको समझ में आ जाएगा कि ढोलक वहाँ से आगे से यू टर्न लेकर मुझे कितने मिनट लगे रजौरी गार्डन पहुँचने में शाम के टाइम, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रैफिक हो जाता है, तो वही ट्रैफिक देख रहे हैं। ट्रैफिक है पर ही चलता हुआ ट्रैफिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा ना परेशान नहीं होता। अगर ट्रैफिक अगर रुका होगा तो बंदा थक जाएगा भाई साहब 10 मिनट के अंदर अंदर, गाड़ी चल के नहीं रही। तो ये नारायणा का पार हो गया, अब एंट्री हो गई मायापुरी के फ्लाईओवर के ऊपर। ये देखो लेफ्ट साइड में मायापुरी मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है, वहाँ उतर गए, जिनको इधर जाना है सागरपुर की तरफ द्वारका की तरफ, और सीधा जिसको जाना है रजौरी गार्डन
या फिर यहाँ से सीधा चंडीगढ़ का रास्ता है पंजाब के लिए, तो ये रास्ता सीधा है एकदम संत नगर की तरफ जाता है रास्ता सीधा के सीधा नॉन स्टॉप। और अब तो आगे फ़ायदा है ये है कि पंजाबी बाग के पास फ्लाईओवर काफ़ी अच्छे अच्छे बन गए हैं, तो बंदा कभी ना ट्रैफिक में फंसेगा नहीं। पहले पंजाबी बाग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता था, अब फंसने का कोई चांस नहीं है, ये समझ लो आप। फ्लाईओवर का फ़ायदा तो है, जितने ज़्यादा बनेंगे उतना फ़ायदा है। आखिर केंद्र सरकार सारा काम कर रही है भाई, मोदी जी के राज में वो बन रहे हैं फ्लाईओवर दिल्ली में जितने ही बन रहे हैं इस टाइम। केजरीवाल तो कुछ कर नहीं रहा, टाइम पास कर रहा था दारू बेच बेच के, है ना, आ रहा है जेल में जा रहा है, आ रहा है उसका तो भाई मेला लगा हुआ है, उसका तो पिकनिक स्पॉट हो गया भाई तिहाड़ जेल जाना। अरे बताओ यार, बातें करते करते काम है नेतागिरी में पहुँच गया, कवाली हो गया। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, सच बता रहा हूँ, प्यास लग रही है। अब यार हेलमेट ना बड़ी दिक्कत हो गई यार, हेलमेट थोड़ा सा ढीला हो गया मैं सर पे पहने पहने, नीचे को कर रहा है, जबकि नया हेलमेट लिया है भाई, मेरा नया हेलमेट है यार, बस मैंने ना मास्क नहीं लगाया, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जिसमें पूरा मुंह ढक जाता है तो आँखें आँखें नज़र आती है भाई। यहाँ पे तो ट्रैफिक लगा हुआ भाई, इसको बोलते हैं ट्रैफिक, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो, अगर ये चलता रहा तो ठीक है भाई, ये देखो गाड़ी ख़राब होगी बंदे की, आगे जा रहा बुलेट लेके भाई, सही शोर कर रहा है, डर कर रहा है, कर रहा है। वो देखो सामने भाई साहब रजौरी गार्डन का फ्लाईओवर दिख गया है, वो सामने ऊपर की तरफ देखो गाड़ी जा रही है, बस ये है मेरा आखिरी मंजिल, इस वीडियो के लिए आखिरी मंजिल है भाई, वैसे मंजिल तो बहुत है मेरी। ये क्या है भाई, ट्रक है ये टेम्पो है, समझ नहीं आ रहा इसकी कितना ट्रक में हो सकती है ना टेम्पो में, क्या ढांचा बनाया भाई इसने, ये तो कोई हॉलीवुड फिल्मों का टेम्पो लग रहा है मेरे को। हाँ 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 देखो भाई मेरे लेफ्ट साइड में है रजौरी गार्डन, ये पूरा फ्लाईओवर के नीचे से राइट जाएंगे तो रमेश नगर पड़ जाएगा मोदी नगर जाने के लिए, ये रजौरी गार्डन है लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि नीचे जाऊंगा ना तो रेड लाइट मिलेगी तो ट्रैफिक मिलेगा, इसलिए ऊपर जाऊंगा मैं। ओ भाई साहब देखा पहुंच गया, अब देख लो भाई, अब आइडिया खुद लगा लो कि कितने मिनट हो गए होंगे, वीडियो देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने मिनट में पहुंचा इस टाइम, और पूरा वैसे अंधेरा हो चुका है आपको लेकिन उजाला दिख रहा होगा, सिर्फ काफ़ी लाइटें जल रही हैं इस टाइम, गाड़ियों की लाइट सब सारी लाइट है, और यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट, नीचे उतरूँगा बस ढलान आ गई है, यहाँ से लेफ्ट लूँगा फिर रॉन्ग साइड पर लेफ्ट जाऊँगा, बस वहीं मेरा स्टॉप एंड हो जाएगा, देख रहे हो ये वेस्ट गेट मॉल सामने दिख रहा है ना पुरानी सी बिल्डिंग, ये फ्लॉप हो गया, पहले बहुत चला था शुरू में, सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, कोई गाड़ी तो नहीं मेरे पीछे भाई, कई बार क्या होता है ना एकदम अचानक गाड़ी आ जाती है, अब ये भाई देखना पड़ेगा पहले ये पेट्रोल पंप, चल भाई मुड़ गया मुड़ गया मुड़ गया, ये रॉन्ग साइड आ गया भाई, बस यहाँ पे ना बैरियर लगा के रखते हैं पुलिस वाले, पुलिस वाले खड़े तो नहीं है, चलो नहीं खड़े भाई, ये है भाई मेरा स्टॉप जहाँ मैंने कहा था मैं रेलवे गाड़ी पहुँच गया, अब आप आइडिया लगा रहा हूँ ये अपनी दुकान बस यहाँ करेंगे अपनी बाइक खड़ी, ब्रेक मारेंगे चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, तो भाइयों मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।